एससी वर्मा लाइट वेव का न्यूमेरिकल 38। ग्लास सरफेस इज कोटेड बाय एन ऑयल फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस 1 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ऑयल इज 1.25 एंड दैट ऑफ द ग्लास इज 1.50। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द विजिबल रीजन दैट इज 400 nm to 750 nm, व्हिच आर कंप्लीटली ट्रांसमिटेड बाय द ऑयल फिल्म अंडर नॉर्मल इंसिडेंस। तो यहाँ पे हमें एक ऑयल फिल्म दी हुई है जिसकी थिकनेस 10⁻⁴ सेंटीमीटर होगी और वो फिल्म है ग्लास पर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 1.5 और ऑयल का दिया हुआ है 1.25। ऑयल की थिकनेस भी दिए 10⁻⁴। अब यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट होगी वो लाइट नॉर्मली है लेकिन हम पिक्चर दिखाने के लिए उसे ऑब्लिकली दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी। ट्रांसमिट होने के बाद दूसरा जो सरफेस है वहां पे भी कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी। वो पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली ट्रांसमिशन यहाँ पे हो रहा है, तो ये ट्रांसमिट हो रहे तो ये यहाँ पे निकल रही है लेकिन कुछ उसका पार्ट इस साइड में आ जाएगा, यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट भी होगी पार्शियली और एक रिफ्रैक्ट होगी और वो यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ आने के बाद फिर कुछ पार्शियली रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होगी, तो ये जो इसकी इंटेंसिटी कम कम होती जाएगी बाद में, लेकिन यहाँ पे जो लाइट ट्रांसमिट हो गई वो आगे जाके इंटरफर होके हमें यहाँ पे उन्होंने कहा है कि स्ट्रॉन्गली ट्रांसमिटेड, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे होगा। तो उस केस में यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड करनी है जो कि कंप्लीटली ट्रांसमिट होगी, तो वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गए, रिफ्रैक्ट हुआ तो कोई फेज चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्ट होता है तो होता है, तो यहाँ पे आने के बाद ये लाइट रिफ्रैक्ट होगी, कोई यहाँ पे फेज चेंज नहीं होगा, तो ये आगे चलेगी। अब यहाँ पे वो रिफ्रैक्ट हो गई तो ये आगे चलेगी और ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई तो ये यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई और वो फिर और निकल गई है और ये पहले से ही निकल चुकी है, तो वो कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, मतलब ये जब निकल चुके तो ये कब निकल चुकी है, पहले वो यहाँ से यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर निकल चुकी है, लेकिन वो डायरेक्ट निकल चुकी है तो वो आगे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कौन सा मीडियम जिसमें ये लाइट ट्रैवल हो रही है, इनटू उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो, मतलब ये दोनों में भी पाथ डिफरेंस आएगा और वो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो यहाँ से यहाँ तक टी और यहाँ से यहाँ तक टी, हम थिकनेस उसका टी हम ले रहे तो टी, और ये डिस्टेंस भी टी होगा क्योंकि एक तो वो नॉर्मल इंसिडेंस है, दूसरा इसकी थिकनेस बहुत ही कम है, तो ये लेंथ टी ही होगी, वो हमने पिक्चर दिखाने के लिए उसे स्लैंट लाइंस बना रहे, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल ही है, तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो उसका डिस्टेंस इसने जो डिस्टेंस किया है 2t और इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच दिस लाइट इज ट्रैवलिंग, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल तो म्यू, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही 2 μ, ये म्यू किसका है ऑयल का, इनटू टी इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही 2 μ t, ये पार्ट डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे ये लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.25 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, मतलब ये रेयर टू डेंसर मीडियम में अभी जा रही है, इंटरफेस होगा और यहाँ पे अगर वो लाइट डेंसर मीडियम से, मतलब इस कंपेयर टू रेयर मीडियम है डेंसर मीडियम है, तो लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है और लाइट जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है और लाइट जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तब उसमें पार्ट डिफरेंस आता है लैम्डा बाय 2 या फेज डिफरेंस आता है पार्ट, इतना तो पार्ट डिफरेंस था ही, इतना तो पार्ट डिफरेंस था ही प्लस ये यहाँ पे लैम्डा बाय 2 इतना पार्ट डिफरेंस और भी ज्यादा आएगा, तो ये लैम्डा बाय 2 इसमें ऐड कर रहे, तो टोटल पार्ट डिफरेंस इतना होगा, टोटल पार्ट डिफरेंस इतना होगा, जैसे माइनस भी लिख सकते हैं सिर्फ वो बाद में एन की वैल्यू में चेंज होगा, तो ये इसे भी माइनस भी लिख सकते हैं, और वो पार्ट डिफरेंस हमें कहा है कि वो स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड मतलब स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड का मतलब है कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है,
वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वहां पे जो पाथ डिफरेंस होगा वो एन लैम्बडा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन लैम्बडा, तो ये दोनों को इक्वेट करते तो टू ए म्यू ऑयल का टी प्लस लैम्बडा अपॉन टू इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो हमें ए टू म्यू टी इज इक्वल टू ए यहाँ पे चला जाएगा तो एन माइनस वन हाफ लैम्बडा। और ये भी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर मैक्सिमम इल्यूमिनेशन कहेंगे उसे, मैक्सिमम इल्यूमिनेशन फॉर ट्रांसमिशन, फॉर मैक्सिमम इल्यूमिनेशन फॉर ट्रांसमिशन। अब जनरली क्या होता है कि ये मैक्सिमम इल्यूमिनेशन फॉर ट्रांसमिशन जो होता है वो टू म्यू टी इंटू एन लैम्बडा इंटीग्रल मल्टीपल आता है। जनरली हमने कुछ प्रीवियस कंडीशन देखी तो टू म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ये आता है मैक्सिमम इल्यूमिनेशन फॉर ट्रांसमिशन, लेकिन यहाँ पे और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा आ रहा है। इसका रीजन कि यहाँ पे लाइट जो ट्रांसमिट हो रही है तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, इसलिए हमें सिर्फ ये याद रखना है कि मैक्सिमम इल्यूमिनेशन फॉर ट्रांसमिशन उसका फॉर्मूला, मैक्सिमम इल्यूमिनेशन फॉर रिफ्लेक्शन मिनिमम इल्यूमिनेशन फॉर रिफ्लेक्शन मिनिमम इल्यूमिनेशन फॉर ट्रांसमिशन, उसके सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने की जगह पे एक किस तरह से ऐसा फेज या इसका ऐसा पार्ट डिफरेंस क्यों आता है ये याद रखेंगे, तो इस तरह से न्यूमेरिकल में चेंज भी कर दिया तो हम यहाँ पे फंस नहीं जाएंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पे अल्टर हो गया है और ये फॉर्मूला मिला है। बाकी उसमें वैल्यू पुट करनी है और हमें लैम्ब्डा फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है कि ऐसी कौन कौन सी वेव होगी जो स्ट्रांगली ट्रांसमिट हो गई है। तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू यहाँ से आएगा टू म्यू टी डिवाइडेड बाय ए, इसे लिख सकते हैं हम टू एन माइनस वन और ए लैम्ब्डा बाय टू, तो टू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू टू म्यू टी, तो टू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो फोर म्यू टी और ये डिवाइड होगा तो ये टू एन माइनस वन इज इक्वल टू फोर म्यू, ये म्यू है ऑयल के लिए, तो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.25, तो ये 1.25 थिकनेस दिया 10^-4 सेंटीमीटर मतलब 10^-2 मीटर डिवाइड बाय ये 2n-1, तो ये लैम्ब्डा कितना है, तो इसका कैलकुलेशन है, 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 500 और ये दो डेसिमल के लिए दो जीरो चले गए। अब ये 10^-6 मीटर, नैनोमीटर में करना है तो 10^-9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10^+3 आ गया, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू ये आएगा 5000/2n-1। अब इसमें एन की अलग अलग वैल्यू पुट करके हमें वेवलेंथ मिलेगी, एन इज इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकते, एन इज इक्वल 1 पुट किया तो 2 1 2 2 -1 1 1 इससे डिवाइड किया तो 5000 नैनोमीटर, जो कि विजिबल रेंज में नहीं है, विजिबल रेंज में सिर्फ 400-750 लेना है हमें। टू पुट कर दे तो 4 -1 3, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो भी 3 1 3 मतलब 1000 से आगे जा रही है, 4 3 पुट किया यहाँ पे तो 3 2 6 6 -1 5 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 1000 है, तो एन इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 4 2 8 -1 7, तो लैम्ब्डा यहाँ पे आएगा 5000/7, तो लैम्ब्डा की वैल्यू आएगी 7 7 41 1, ये 4.3 नैनोमीटर, तो इतनी वेवलेंथ आएगी जो कि रेंज में है, विजिबल लाइट के रेंज में है। उसी तरह से एन इज इक्वल टू